प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको शनि से 12वें भाव की संपूर्ण विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। इसकी पूर्व की वीडियो में मैंने आपको एक जनरल प्रभाव शनि से दूसरे और 12वें भाव का बताया था, लेकिन उसमें बहुत से दर्शकों का ये कमेंट आया कि कहीं ना कहीं आपको दोनों ही भाव के बारे में विस्तार से बताना चाहिए, अलग अलग राशि और अलग अलग ग्रहों का प्रभाव बताना चाहिए। और उसमें कुछ दर्शकों का ये भी आया कि आप अलग अलग वीडियो बनाइए, दोनों भाव एक साथ न लीजिए। आखिर मैंने सोचा कि दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, कि आप लेकर के आए हो और क्या लेकर के जाएंगे, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैंने एक साथ ली थी। लेकिन चलिए, जैसा आपने कहा है अलग अलग और विस्तार से, तो मैं आपको वही बताता हूं। आज जानकारी शनि से 12वें भाव की है। आज जानकारी है कि आप पूर्व से क्या गुण लेकर के आए हैं। शनि जो करियर का कारक ग्रह है, वो उसके 12वें भाव के प्रभाव को क्या दर्शाने वाला बना रहा है, या उससे जो 12वें भाव की स्थिति है वो आपके जीवन के लिए क्या बता रही है, कैसा प्रभाव आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों से लेकर के आ रहे हैं जो आपको इस जन्म में प्रभावित करेंगे, उसे ही ये शनि बता रहे हैं। और अब उसमें से कुछ दर्शकों का ये प्रश्न आया कि ऐसे तो शनि फिर कितने ही भावों से कनेक्टेड हो जाएंगे। शनि से जहां बैठे शनि, उसके अलावा वो जिस भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव आपने बताया ही है, इसके अलावा 12वां भाव भी हो गया, दूसरा भाव भी हो गया, तो ऐसे तो शनि का प्रभाव पूरी कुंडली पर आ जाएगा, फिर तो व्यक्ति को परेशानी ही होगी। लेकिन ये बात आपको यहां पर समझनी है कि निश्चित ही कोई भी ग्रह हो, केवल शनि नहीं, कोई भी ग्रह क्यों ना हो, उसका प्रभाव कुंडली के पूरे 12 भावों पर पड़ता है। फिर वो वहां पर देख रहा हो, नहीं देख रहा हो, किसी भी स्थिति क्यों ना बना रहा हो, क्योंकि हर भाव के लिए जब आप विचार करेंगे तो उससे कुछ ग्रह सपोर्ट में आएंगे, कुछ ग्रह विरोध में आएंगे। तो मैं आपको शनि से ये चीजें बता रहा हूं। शनि जहां भी बैठे हैं उसके लिए भी कोई भाव जो है वो उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, कोई भाव उसके विरोध में आ जाएंगे, कोई ग्रह उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, कोई ग्रह उसके विरोध में आ जाएंगे। तो बस मैं आपको ये शनि की श्रृंखला में वही सब की जानकारी दे रहा हूं। और शनि का इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शनि हमारे कर्मों के कारक ग्रह है। व्यक्ति किस प्रकार के कर्मों को लेकर आया है, किस प्रकार के कर्मों को करेगा, कर्मों में क्या बातों का ध्यान रखना है, किनसे बचना है, ये शनि से 12 भाव की स्थिति बताएगी, जिसे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। तो इसी में आज मैं आपको शनि से 12वें भाव की जानकारी दे रहा हूं। आगे अगर स्थिति बने तो अलग अलग ग्रहों की भी 12 भाव की स्थिति मैं अवश्य से आपको बताऊंगा। आज जानकारी देता हूं शनि से 12वें भाव की। पूर्व में मैंने शनि से 12वें भाव में मीन राशि की और मेष राशि की, वृषभ राशि की जानकारी आपको दी थी। एक बार और थोड़ा रिवाइज फटाफट कर देता हूं कि जब भी शनि से 12वें भाव में मेष राशि से प्रारंभ करते हैं, मेष राशि होंगी तो मेष राशि कुछ नया करने के लिए है। इसीलिए जिनकी भी कुंडली में मेष राशि 12वें भाव में होती है, अपने करियर में पूर्व के समय पर भी कुछ अलग करके आए हैं और इस समय में भी कुछ अलग करके दिखाएंगे, ये इनके अंदर गुण होता है। मेष राशि क्योंकि शनि की विरोधी है, इस कारण से पूर्व का समय ऐसे व्यक्ति का अच्छा नहीं रहता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति तरक्की भी प्राप्त करता है। अब यहां दोनों ही बातें हैं, पूर्व जन्म भी अच्छा नहीं रहा है ये भी समझना है करियर के रूप में, लेकिन इस जन्म का शुरुआती समय भी जो है वो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि शनि से 12वें भाव में मेष राशि आ रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएंगी, व्यक्ति आगे बढ़ते जाएगा, उसको क्योंकि अगली राशि का प्रभाव मिलने वाला है, इसलिए वो अच्छा प्रभाव दे पाएगा। तो इसीलिए शनि से 12वें भाव में मेष राशि होने पर शुरुआती जीवन संघर्षमय हो सकता है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से अच्छी सुख सुविधा अर्जित कर पाएगा, अच्छा प्रभाव निर्मित कर पाएगा, ऐसा समझना चाहिए। फिर शनि से 12वें भाव में वृषभ राशि अगर होती है तो वृषभ राशि शनि की मित्र राशि है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति पूर्व के समय पर अच्छा सुखी रहा है, धनवान रहा है, अच्छे कार्यों को करने वाला रहा है, दूसरों की सहायता करने वाला रहा है, कुटुंबी जनों से जुड़ करके रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और ये देखने को भी मिला कि जिनके भी शनि से 12वें भाव में वृषभ राशि आती है, ऐसे व्यक्ति प्रायः अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं अन्य की सहायता के लिए आतुर रहते हैं। इन्हें लोग ऐसे मिलते भी हैं जो इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनसे सहायता मांगना चाहते हैं, और इनका स्वभाव भी होता है कि जिसको आवश्यकता लगती है उनकी सहायता करना।
ये जरूर है कि ऐसे व्यक्ति को शुरुआती जीवन पर अच्छा धनी कहा गया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति धन की इतना लोभ नहीं करता या धन की स्थिति सामान्य रहती है फिर से व्यक्ति की। ये बात इस शनि के विषय में कही गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वृषभ राशि जो है अच्छे धन को बता रही है, लेकिन पूर्व जन्म में व्यक्ति सब सुख अर्जित कर चुका है, लेकिन आगे उसकी वो चाहत नहीं रहेगी। आगे उसकी चाहत रहेगी कर्क राशि वाली, सबसे जुड़ने वाली, तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं हालांकि आपको। लेकिन अभी समझिए कि शनि से 12वें भाव में चूंकि आपकी वृषभ राशि है, इसीलिए शनि ये दर्शा रहे हैं कि आप अच्छा धन आदि, अच्छा सुख आदि भोग करके आए हैं, अच्छा सुखी जीवन, अच्छे कर्मों को करके आए हैं। इसके अलावा शनि से 12वें भाव में मिथुन राशि हो तो ये भी व्यक्ति को जीवन में अच्छा प्रभाव प्रदान करता है। हालांकि ये बोल सकते हैं कि पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ज्यादा मुंह पर बोलने वाले रहे हैं, और उसी कारण से इस समय पर देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बातों ने पूर्व के समय पर किसी न किसी व्यक्ति को परेशान किया है, और इसीलिए इस समय पर ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी रूप का अज्ञात भय बोल लीजिए, मानसिक अशांति बोल लीजिए, देखने को मिल जाती है। तो ये पूर्व के कर्मों के कारण भी होता है। फिर शनि से लेकिन 12वें भाव में मिथुन राशि हो तो व्यक्ति मैनेजमेंट क्षमता में अच्छा होता है, व्यक्ति पूर्व से कहीं ना कहीं फाइनेंस का ज्ञान, मैनेजमेंट क्षमता का ज्ञान लेकर के आता है। ये संभव है कि थोड़ा कड़ा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शनि से 12वें भाव में चूंकि जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि ये कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की राशि है, मेहनत की भी राशि है, इसीलिए व्यक्ति ने पूर्व जन्म में न केवल लोगों से बातें ज्यादा करी है, लोगों को कुछ बोला भी है, लेकिन पूर्व के समय पर व्यक्ति ने मेहनत भी अधिक करी है, और इस समय पर भी वो मेहनती गुण व्यक्ति लेकर के आ रहा है। इसीलिए सुखों की चाहत तो रहेगी, लेकिन उसके बदले भी व्यक्ति को अधिक काम करना पड़े, ये बात आपको देखने को मिले। मतलब सुख इतनी आसानी से फिर ये शनि जब मिथुन राशि 12वें भाव में होती है तो लेने नहीं देते। हो सकता है पूर्व के समय पर व्यक्ति बहुत सुख सुविधा या भोग विलास से युक्त रहा हो, कई बार बचपन ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है लेकिन बाद में थोड़ा सा प्रभाव कमजोर हो जाता है, ये बात भी देखने को मिली। फिर ये जरूर रहता है कि अगर आपके मिथुन राशि में हो तो वो अगली राशि सिंह बन जाएगी, तो व्यक्ति उम्र के साथ अपना मान सम्मान क्रिएट कर लेता है, अपने जीवन में अपनी आयु के बढ़ने के साथ में एक अच्छा मान सम्मान, एक अच्छा पद हासिल जरूर कर लेता है, तो उसके लिए इसको अच्छा बोल सकते हैं। फिर शनि से 12वें में अगर कर्क राशि हो तो इसको अच्छा नहीं माना गया है, मतलब अच्छा इसलिए नहीं माना गया क्योंकि कर्क राशि फिर चंद्रमा के प्रभाव में आ जाएंगी, व्यक्ति पूर्व जन्म में भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत अधिक रहा है, चिंतित अधिक रहा है, और वही चिंता वाले गुण कुछ लेकर के आएगा। हालांकि ये बात जरूर है कि शनि से पूर्व जन्म में आप ये प्रभाव देख चुके हैं तो वो आपके अंदर है, लेकिन आगे आपको क्या मिलने वाला है वो अगली राशि बताएगी। इसीलिए शनि से जब 12वें भाव में आप देख पाएंगे कि कर्क राशि होती है तो प्रायः ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अन्य के द्वारा भावनात्मक रूप से प्रभावित अधिक किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अन्य लोग भावनाओं के जाल में फंसाकर उसकी हानि करें, उसका नुकसान करें, उसे नुकसान पहुंचाने का कार्य करें, ये बातें देखने को मिलती है। ये भी बोल सकते हैं कि पूर्व के समय पर व्यक्ति का मन योग साधना ध्यान आदि चीजों में अधिक रहा है, इससे इस जन्म में व्यक्ति सुखों की ओर चाहत तो रखेगा लेकिन उसका अंततोगत्वा मन जो है किसी न किसी रूप में आप देख पाएंगे कि पुनः जो धार्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, इनके तरफ व्यक्ति की रुचि होंगी। मैंने आपको चंद्रमा के विषय में बताया था और कर्क राशि के विषय में बताया था कि व्यक्ति दूसरों की सहायता कर चुका है। व्यक्ति पूर्व जन्म में भी अगर चंद्रमा शनि से 12वें में हो, जिसके आगे बात बता रहा हूं मैं, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व में सबके लिए कुछ कर चुका है, ये बात समझना है। व्यक्ति धार्मिक रह चुका है या उसका मन जो था वैराग्य की ओर, धार्मिक चीजों की ओर, ओकल्ट साइंस की ओर अधिक रहा है पूर्व में, इस जन्म में भी देखने को मिलेगा कि जिनके शनि से 12वें भाव में कर्क राशि आती है उनका विशेष ध्यान कहीं ना कहीं रहस्यमय विषयों को सीखने में जरूर से रहता है, ये बात आप देख पाएंगे। फिर शनि से 12वें भाव में अगर कन्या राशि सिंह राशि होती है तो सिंह राशि होंगी तो सिंह राशि ये आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह से रॉयल साइन है, ये एक राजसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो यानी पूर्व जन्म में व्यक्ति अनुशासित रहा है, अच्छी तरह से कार्य करने वाला रहा है, व्यक्ति के अंदर पूर्व के समय पर नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी रही है, व्यक्ति इस तरह का गुण लेकर के आया है कि वो बड़े लोगों से अच्छी तरह डील कर सके, किसी परिस्थिति को हैंडल कर सके। इसीलिए जिनके शनि से 12वें भाव में सिंह राशि होती है ऐसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को हैंडल कर लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी ऐसे व्यक्ति सरवाइव करना जानते हैं, तो ये अच्छी खूबी होती है क्योंकि शनि से 12वें भाव में सिंह राशि है। ये बोल सकते हैं
कि पूर्व के समय पर व्यक्ति के पास मान सम्मान था और अब व्यक्ति की चाहत जो है वो कहीं ना कहीं धन की ओर है या सुखों की ओर है, क्योंकि आगे तुला राशि है। लेकिन फिर भी ये समझ के चलिए कि शनि से पीछे क्योंकि सिंह राशि है तो व्यक्ति अच्छे राजसी गुणों को लेकर के आया है, नेतृत्व करने की क्षमता को लेकर के आया है, पूर्व के समय पर अच्छा अनुशासित ऐसा व्यक्ति ये समझना है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ ऐसे व्यक्ति में अनुशासन की कमी देखने को मिलती है। धनी होता है ऐसा व्यक्ति लेकिन कई बार जो गुण वो अनुशासन का लेकर के आया है उसकी कमी हो जाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अनुशासन वाले गुण को न छोड़े, अगर वो छूट जाएगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए अनुशासन जो पूर्व से लेकर के आया है उसको बनाए रखे और अन्य से घुलते मिलते रहे, अन्य को जोड़ करके रखे, क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में अवश्य से होती है। फिर शनि से बारहवें भाव में अगर कन्या राशि हो तो ये भी बोल सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर पूर्व से कम्युनिकेशन की, नॉलेज की और कहीं ना कहीं अलग स्किल जो होती है वो पहले से डेवलप है। व्यक्ति अच्छा मतलब ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, मैनेजमेंट क्षमता का धनी है, मार्केटिंग स्किल उसके अंदर अच्छी है, ये पूर्व से सीख करके आया है या पूर्व में करके आया है, ये आप समझ सकते हैं। किसी परिस्थिति को हैंडल करना ऐसे व्यक्ति को भली भांति आता है। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्रों की ओर बढ़ने वाला है। ये जरूर है कि ये उच्च का शनि है लेकिन उच्च का शनि कभी भी व्यक्ति को भोग विलास की ओर प्रवृत्त नहीं करता। शनि का बल जब भी बढ़ता है तो व्यक्ति को वो धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ाता है। और चूंकि शनि से दूसरे भाव में भी वृश्चिक राशि आती है जो अष्टम भाव की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर रहस्यमय विषयों की खोज होना या उसके प्रति रुझान होना, अष्टम भाव की जो राशि है ये आगे मैं बताऊंगा किस तरह व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। लेकिन फिर भी कन्या राशि का प्रभाव मैं बताऊं तो ये समझकर चले छठे भाव की भी राशि है, यानी ऐसा व्यक्ति संघर्ष करके, लड़ झगड़ कर, अन्य से अपना हित लेकर फिर इस जीवन में आया है और तब जाकर उसको उच्च का शनि मिला है। अन्य के लिए करके भी आया है, अन्य के लिए सोच करके भी आया है, लेकिन सभी गुण अच्छे प्राप्त करके आया है, अच्छा ज्ञान लेकर के आया है। फिर शनि से बारहवें भाव में तुला राशि हो तो ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि पूर्व के समय से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्मों को ही किया है। ये बोल सकते हैं कि सुख सुविधा का भोग उस समय भी किया था, अब भी करने का ऐसे व्यक्ति का मन रहेगा क्योंकि वो पहले से ये गुण लेकर के आया है। लेकिन अब उसकी प्रवृत्ति धर्म के प्रति झुक जाएगी या उम्र बढ़ने के साथ वो धर्म को प्राप्त करना चाहेगा क्योंकि आगे धनुराशि है, लेकिन उसके बाद में आगे करूंगा। अभी अगर पीछे वाली राशि तुला राशि की बात करूं तो ऐसा व्यक्ति पूर्व के समय पर सुखी और संपन्न भोगी जीवन जिया है, अपने जीवन का पूर्वार्ध भी ऐसा व्यक्ति सुख सुविधा में, भोग विलास में व्यतीत करेगा ऐसा समझना चाहिए। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि आध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ जाएगी, रहस्यमय विषयों के प्रति ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ जाएगी। तुला राशि चूंकि सामंजस्य बिठाने की है इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि पूर्व के समय पर ऐसा व्यक्ति अच्छे व्यापारिक गुणों से, अपनी कला से, अपने सामंजस्य बिठाने के गुण से प्रसिद्ध था या अच्छे कर्मों को करके आया है, अपने सामंजस्य बिठाने के गुण से सभी को साथ में जोड़ करके आया है। अब ये हो सकता है कि इस समय पर उसका वो जो गुण है जो उसके अंदर है उसी के कारण वो अन्य से जोड़ने का प्रयास जरूर करे, लेकिन चूंकि वृश्चिक में शनि है इसलिए संभव है कि उसको अन्य का सहयोग इस समय पर तो न मिल पाए। हाँ ये है कि व्यक्ति अन्य से जोड़ना चाहेगा, अन्य को जोड़कर रखना चाहेगा, लेकिन परिस्थिति वशात उसे इसका प्रभाव इस जन्म में नहीं मिलने वाला है, ये भी समझना चाहिए क्योंकि आगे आध्यात्म का मार्ग उसके लिए प्रशस्त होने वाला है। तो आध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति को अकेले बढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए ये ग्रह शनि पहले ही उससे इस तरह का कार्य करवा देगा जिससे वो अपने आप उस क्षेत्र से अलग हट जाए। फिर आप देख पाएंगे कि शनि से बारहवें भाव में अगर वृश्चिक राशि हो तो ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ही कष्टप्रद या संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करके आया है। न उसे पूर्व के समय पर किसी का सहयोग मिला था और न ही किसी ने उसका साथ दिया था। यहाँ ये भी देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति पूर्व में भी कोई तांत्रिक या अघोरी या फिर कोई ऐसी अलग कोई विषय में ऐसी रुचि लेने वाला, रहस्यमय चीजों पर शोध करने वाला रहा हो। और ये भी संभव है कि शनि से बारहवें भाव की स्थिति अगर खराब होती है, वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है वो खराब होता है, तो ऐसा व्यक्ति बुरे कर्म को करके आया है, ये भी समझा जा सकता है। लेकिन चूंकि वृश्चिक राशि है मैं आध्यात्मिक पक्ष और धार्मिक पक्ष और सकारात्मक पक्ष आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि शनि से बारहवें भाव में वृश्चिक राशि हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में पूर्व के समय पर ये तो जरूर है कि कुछ अनुचित कर्मों को भी किया है, इसी कारण से इस जन्म में उसकी रुचि जो है वो धार्मिकता के प्रति अधिक रहेगी।
और अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में जुड़ना चाहेगा। इसीलिए आप ये समझ करके चले कि जब भी शनि से बारहवें भाव में वृश्चिक राशि होती है तो व्यक्ति के शुरुआती जीवन में संघर्ष की अधिकता होती है। हालांकि ये संघर्ष ऐसा भी नहीं कि उसके आगे उम्र बढ़ने के साथ में कम होता है। जब भी शनि से बारहवें भाव में वृश्चिक राशि होगी तो दूसरे भाव में मकर राशि हो जाएंगी। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अधिक होता है, व्यक्ति को संघर्ष अधिक करना पड़ता है। लेकिन आप एक और बात देख पाएंगे कि वृश्चिक राशि का जो संघर्ष था वो व्यक्ति को पसंद नहीं था। मतलब शुरुआती जीवन में व्यक्ति को ऐसे काम करना पड़ते हैं जो उसे पसंद नहीं थे, पूर्व में भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो उसे पसंद नहीं थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जो काम करेगा वो ऐसे काम होंगे जो उसे पसंद भी होंगे और वो मन लगाकर कर भी पाएगा। इसीलिए ये अंतर है दोनों के, लेकिन वो तो आगे की बात बाद में। लेकिन शनि से बारहवें भाव में वृश्चिक राशि हो, संघर्ष रहा है शुरुआती जीवन काल के अंदर और इसका प्रभाव शुरुआती जीवन पर भी देखने को मिलता है, पूर्व जीवन पर भी देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं विवाद भी ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सामना करना पड़ता है विवाद का भी, विशेषकर विवाद से मेरा मतलब ये है कि अन्य लोगों में प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर व्यर्थ के विवाद ऐसे व्यक्ति के सामने आ जाते हैं जब भी शनि से बारहवें भाव में वृश्चिक राशि होती है। कई बार लंबा उसमें उलझ भी जाता है। शनि से बारहवें भाव में अगर धनु राशि हो तो यह अच्छा माना गया है। व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई संत रहा है, धार्मिक कार्य करने वाला रहा है, अच्छे शुभ आचरण करने वाला रहा है, धर्म का उपदेशक रहा है, सबको सही मार्ग दिखाने वाला रहा है, जोशीला ऊर्जावान नेतृत्व करने की क्षमता से परिपूर्ण रहा है, ऐसा समझना चाहिए। यानी शनि से जब भी बारहवें भाव में अपनी धनु राशि आती है तो इसे बहुत बढ़िया माना गया है। व्यक्ति के जीवन को अच्छे मार्ग से जोड़ने वाला इसे माना गया है, व्यक्ति को अच्छे कार्यों में लगाने वाला माना गया है। ये है कि व्यक्ति को अपने करियर में मेहनत करना पड़ती है क्योंकि धनु राशि जो है इसमें आप देखेंगे तो दो प्रकार का इसमें प्रभाव है। एक तो आधा मानव है और आधा एक मतलब जानवर का रूप दिखता है, तो दोनों का गुण होने से इसे व्यक्ति को डबल मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। व्यक्ति को अपने लिए तो करना ही पड़ता है, अन्य के लिए भी करना पड़ता है, इसीलिए संघर्ष की अधिकता ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती है। कई बार ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है क्योंकि धनु राशि जो है ये आत्ममंथन की राशि है, अपने आप को सोचने वाली राशि है। लेकिन पूर्व के समय पर ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान अच्छा होता है, उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति धन भी अर्जित कर लेता है और अच्छा सुखी जीवन व्यतीत करता है। हालांकि कई बार थोड़ा सा इस समय पर पूर्व में ऐसा नहीं रहा है, पूर्व में ऐसे व्यक्ति के अंदर करुणा दया सभी के लिए सोचने वाला प्रभाव रहता है, उम्र बढ़ने के साथ ऐसे व्यक्ति के अंदर ये बात देखने को मिली कि अन्य के प्रति थोड़ा सा अपना स्वार्थ कापन थोड़ा बढ़ जाता है। ये बात थोड़ा स्वार्थ मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर उम्र बढ़ने के साथ आ सकता है, अगर व्यक्ति उससे बच जाए तो निश्चित जीवन में अच्छा कुछ हासिल कर सकता है। तो ये बात होती है। शनि से बारहवें में अगर मकर राशि हो तो आप देख पाएंगे मकर राशि का प्रभाव भी कुछ इसी प्रकार का होता है। मकर राशि में लेकिन संघर्ष जाता है। ऐसे व्यक्ति को ये बात देखने को मिली है कि पूर्व के समय पर अपने करियर में अन्य का सहयोग कम मिल पाया है, संघर्ष की अधिकता रही है। व्यक्ति ज्ञानवान बुद्धिमान अवश्य रहा है, इंजीनियरिंग का गुण, टेक्निकल कोई चीजें, आईटी से जुड़ी चीजें इस व्यक्ति को पूर्व से आती है। व्यक्ति को बस थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। पूर्व में संघर्ष किया है इसलिए ऐसे व्यक्ति का शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अन्य का सहयोग भी नहीं मिलता, बल्कि जो सोचता है उस काम में देरी होते जाती है। जो व्यक्ति को उसकी इच्छाओं को पूरा होना चाहिए, जो इच्छाओं का प्रभाव जल्दी मिलना चाहिए, उसमें कमजोरी का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए शनि से बारहवें भाव में मकर राशि को, शनि से जिस भी भाव में मकर राशि आएंगी ना वो अच्छी नहीं होती, वो फिर किसी भाव में भी आए, किसी न किसी भाव में तो आएंगी ही। अब शनि मकर में हो जाए तो अलग बात है, लेकिन किसी न किसी भाव में शनि से मकर राशि आएंगी वो इतना अच्छा नहीं होता, संघर्ष को बढ़ाता है। या पूर्व में आप संघर्ष करके, आप जैसे जिनकी आगे आ गई वो समझिए उनको आगे संघर्ष करना है, जिनकी पहले निकल गई उनके लिए अच्छी बात है। जैसे मैं अभी बात बता रहा हूँ कि शनि से बारहवें मकर है तो ऐसा व्यक्ति पूर्व में संघर्ष करके आया है, इसलिए शुरुआती जीवन संघर्ष रहेगा लेकिन आगे व्यक्ति अच्छा जीवन यापन कर लेगा। फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कर्मठता का गुण होता है, व्यक्ति मेहनती होता है लेकिन काम जल्दी नहीं बनते, ये व्यक्ति को स्वीकारना चाहिए। अगर स्वीकार लेगा तो फिर अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। लक्ष्य एक ही रखना चाहिए। यहाँ ये देखने को मिला कि पहले तो व्यक्ति फोकस था लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में या जीवन में आगे बढ़ने के साथ में उसकी जो कार्य करने की वृत्ति थी वो फेल गई। अब वो एक जगह फोकस नहीं कर रहा है, चार जगह भाग रहा है जिससे कोई काम बन नहीं पा रहा, तो इससे बचना चाहिए। फिर शनि से बारहवें भाव में अगर कुंभ राशि होंगी तो ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्मों को करके आया है। व्यक्ति
ये बोल सकते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके आया है, अब उसकी इतनी इच्छाएं नहीं है, अब तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र की ओर प्रशस्त है या कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन पूर्व में ऐसा व्यक्ति जो चाहता था, अपने मन से जो इच्छाएं थी उसकी, उनको पूरा करके आया है। हालांकि इस समय देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति का मन फिर भी अशांत रहे, लेकिन एक बात इसकी ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति ने जो अन्य लोगों से उसका जुड़ा हुआ था, उसमें अन्य लोगों को कुछ ना कुछ, या तो अपना जो सर्कल हो, जो फ्रेंड सर्कल बोल सकते हैं, जो समाज में एक सर्कल बोल सकते हैं, उसमें व्यक्ति ने कुछ ना कुछ कुछ अन्य को कुछ गलत बोला हो, अन्य के दिल को दुखाया हो, वो बातें देखने को मिल सकती है। इसलिए प्रायः शुरुआती जीवन ऐसे व्यक्ति का अशांति में बीतता है। फिर दशा दिन निर्भर करेगी किस समय उसका प्रभाव मिलेगा, लेकिन मेनली शनि से 12 भाव में अगर कुंभ राशि हो तो इसे व्यक्ति को जीवन काल में ये तो है कि सुख सुविधा सब पहले से लेकर के आता है। इस समय पर धार्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, अपने अन्य के लिए करना, कुछ अलग करना, क्रिएटिव करना, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में हो सकता है। जब 12 में कुंभ है तो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है, उसके अंदर मैनेजमेंट का गुण भी होता है, कहीं ना कहीं फाइनेंस की भी उसको समझ होती है, इंजीनियरिंग आदि में भी उसकी रुचि अच्छी होती है, तो व्यक्ति संपन्न होता है, मतलब अन्य को ज्ञान देने का गुण ऐसे व्यक्ति में परिपूर्ण अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, तो ये अच्छी बात है। शनि से 12 में अगर मीन राशि हो, अंतिम राशि मीन राशि अगर 12 भाव में हो, तो ये मैंने बताया था, लेकिन फिर बता देता हूँ कि ऐसा व्यक्ति भी अच्छे कर्मों को करके आया है, सभी के लिए भला सोच करके आया है, सभी के लिए भला करके आया है। मीन राशि कहीं ना कहीं दान की है, धर्म की है, कहीं ना कहीं अन्य के लिए करने की है, और बड़ा कुछ सोचने की भी है, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व के समय पर भी कुछ अच्छा करके आया ये समझना चाहिए। हालांकि कई बार देखने को मिला कि मीन राशि है ना, वो मंदिर को भी दर्शाती है, और अगर वो पीड़ित हो तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला, अब शनि से 12 में है तो थोड़ी कमजोर तो है, यानी ऐसे व्यक्ति को पूर्व के समय पर कोई धार्मिक स्थल पर या तो ऐसे व्यक्ति नुकसान पहुंचाया हो किसी चीज को, या फिर वहां पर कोई ना कोई खराबी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो गई हो, या ऐसा व्यक्ति न चाहते हुए कुछ गलत कर दिया हो वहां पर, तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को इस प्रकार मिलती है कि ऐसा व्यक्ति के घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर होता है, या ऐसा व्यक्ति जहां भी जाए, वो काम करने जाए, कहीं पर भी रहे, आसपास कोई ना कोई मंदिर मिल जाता है, और वो इस कारण मिलता है कि वो चाहते हैं कि जो पूर्व के समय पर आपसे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप मंदिर जाकर के करो, वहां पर अपनी सेवा देकर के करो, वहां पर कुछ दान करके करो। तो शनि से 12 में अगर मीन राशि हो तो आप अच्छे गुणों को लेकर के आए हैं, बहुत सारी बातें आपको आती है, आपके अंदर टैलेंट अच्छा है, लेकिन आपको चाहिए कि आप जो कर्म करके आए हैं उसको पूरा करने के लिए इस समय अपनी तरफ से दान करें, अपनी तरफ से कुछ अच्छा करें, तो ये चीजें क्या करेगी आपको अच्छा प्रभाव दे पाएगी। आप ये देख पाएंगे कि आपके जो ग्रह योग है उससे अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, तो ये चीजें आपको करनी चाहिए जब राशि का प्रभाव मैं बता रहा हूं। अब देखिए, जिन राशियों का प्रभाव खराब था उसके उपाय के रूप में आप पूछ सकते हैं, मैं कहूंगा कि देखिए उपाय ये है कि उस राशि को अच्छा करें, उस राशि के स्वामी को अच्छा करें, यानी उससे जुड़ी वस्तुओं को दान करें, या शनि से 12 में है तो उससे जुड़ा कर्म आप करके आए हैं, तो वो कर्म को पूरा कैसे करेंगे, कर्म करके। इसीलिए अगर कुछ, जैसे मैंने कहा कि मीन राशि में कुछ मंदिर आदि से जुड़ा कुछ खराब हुआ हो, अगर पीड़ित हो वो राशि या गुरु पीड़ित हो, तो आप क्या करें, आप पहले से जाकर के मंदिर पे सहायता दे, मंदिर पे साफ सफाई करें, इस तरह का उपाय आपको करना चाहिए। बाकी उपाय के लिए अगर आप कहेंगे तो एक अलग से शनि से जुड़े उपाय की अलग श्रृंखला में आपको दूंगा, जिसमें विस्तार से मैं उपाय बता दूंगा। अब ग्रहों को जोड़ लीजिए, क्योंकि वीडियो वैसे लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आगे आपको बता तो रहा हूँ। अब लगभग देखिए 22 मिनट के आसपास की वीडियो हो चुकी है, लेकिन कुछ मैं ग्रहों की कुछ कुछ पॉइंट वाली जानकारी आपको दे देता हूँ, तो कम से कम शनि का 12वां भाव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैंने बताया था, लेकिन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। शनि से 12वें भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति, अब सूर्य का प्रभाव भी सिंह राशि जैसा है, मतलब कहीं ना कहीं अनुशासन, नेतृत्व करने की क्षमता, अच्छे गुण, राजसी गुण, और एक अपने अंडर में सभी को लेकर के चलना, वो वाला प्रभाव व्यक्ति लेकर के आया है, और इस समय में व्यक्ति के अंदर ये गुण अच्छा रहेगा, व्यक्ति सभी को अपने साथ लेकर के चल पाएगा, व्यक्ति ईमानदार रहा है पूर्व के समय पर, मान सम्मान युक्त रहा है, ये समझना चाहिए। चंद्रमा है 12वें में, तो आप ये समझ करके चले कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं अन्य से अधिक जुड़ा हुआ रहा है, अन्य की सहायता से व्यक्ति करके आया है, अन्य से जुड़ाव ऐसे व्यक्ति का बहुत ज्यादा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को चाहिए इस समय में भी अन्य की सहायता करते रहे, अन्य को दान देते रहे। शनि से 12वां भाव, वो जो वैराग्य, मैंने कर्क राशि की बात बताई, वो आप चंद्रमा में जोड़ सकते हैं, वैराग्य वाला गुण, आध्यात्मिक पक्ष वाला, धार्मिकता वाला गुण, यानी चंद्रमा के लिए कर्क राशि को देखिए आपको समझ पड़ जाएगा। अगर अगले ग्रह के रूप में हम मंगल की बात करें, तो मंगल में दो राशियों का प्रभाव है, लेकिन फिर भी मंगल जो है वो एनर्जी वाला ग्रह है, पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाता है, इसलिए शनि से 12 में मंगल का होना ये व्यक्ति को पुरुषार्थी, मेहनती बनाता है। हालांकि मंगल चूंकि उसका विरोधी है, तो इसलिए पूर्व के समय पर व्यक्ति को संघर्ष अधिक रहा हो, प्रॉब्लम अधिक रही हो, ये बात देखने को मिलती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये देखने को मिला कि व्यक्ति अगर आगे अच्छे ग्रह हो तो अच्छा जीवन में आगे
कर पाता है। लेकिन बारहवें में अगर मंगल हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन काल में ये व्यक्ति को अधिक थोड़ा संघर्ष प्रदान करता है, अधिक मेहनत करने पर विवश करता है और ऐसे काम व्यक्ति करने पड़ते जो वो नहीं चाहता। शुरुआती जीवन में ये प्रभाव देख सकते हैं मंगल की राशि होने पर भी और मंगल के होने पर भी। शनि से बारहवें भाव में अगर बुध हो तो बुध चूंकि शनि का मित्र है इसलिए व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस इन सब की समझ अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति इन सबको न भी सीखे तो भी उसे आता है ये समझना चाहिए। शनि से बारहवें भाव में बुध का बैठना व्यक्ति को शेयर मार्केट, लोटरी सट्टा, जुआ इस तरह के क्षेत्र में प्रवृत्त भी करता है। इस व्यक्ति की रुचि भी इन क्षेत्रों में होती है क्योंकि बुध का गुण वो लेकर के आया है। फाइनेंस मैनेजमेंट, इससे जुड़ी शिक्षा ग्रहण कर ले, इससे जुड़ा काम कर ले, ये संभव है व्यक्ति के लिए। व्यापार करे ऐसा व्यक्ति वो भी संभव है, फिर क्योंकि वो लेकर के आया ये गुण। फिर बुध के लिए आप कन्या राशि, मिथुन राशि को देख सकते हैं। फिर बुध के अलावा अगले ग्रह के रूप में हम गुरु की बात करें तो गुरु व्यक्ति को ज्ञान, धर्म आदि चीजों को दर्शाता है। गुरु पीड़ित नहीं हो, अन्यथा फिर वही बात देखने वाली हो जाएगी कि आपको फिर क्या करना है कि मंदिर जाना है, वहां साफ सफाई करना है, जो उपाय के रूप में बताया मैंने, क्योंकि गुरु कमजोर हो जाएगा। आपके घर के आसपास फिर कोई मंदिर मिले लेकिन आपके अंदर ज्ञान अच्छा है, आप पूर्व में भी अन्य को ज्ञान देकर मार्गदर्शन करके आए हैं, आपके अंदर सभी चीजों की नॉलेज भी है, आप सही मार्ग दिखाने वाले भी है, तो ये गुण आपके अंदर अच्छा है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जन्म से ही अच्छे ज्ञानवान बुद्धिमान होते हैं और अपने ज्ञान बुद्धि से अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर लेते हैं। पूर्व में भाग्यशाली भी रहे हैं इसलिए जीवन काल में भी अच्छा सुख सुविधा इनको मिल जाती है, तो ये एक अच्छी बात है। गुरु का होना मतलब अच्छा है। शनि से बारहवीं में शुक्र होंगे तो ये भी बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में अन्य का सहयोग, राजसी ठाट बाट, अच्छा सुख प्राप्त हो जाता है क्योंकि वो जो राशियां है शुक्र की, ये शनि की मित्र राशियां है, तो इसलिए व्यक्ति अच्छे कर्म करके भी आया है और आगे भी उसको इसका प्रभाव अच्छा मिलता रहेगा। शनि कहीं ना कहीं बलवान रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है वैवाहिक जीवन के लिए कमजोर हो जाए इसका प्रभाव, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए, यानी वैवाहिक जीवन खराब मतलब जो व्यक्ति ने सोचा हो उसके विपरीत उसको काम मिले, या फिर जीवन साथी जो मिले उसकी अपेक्षाओं के विपरीत हो, या जिस तरह का प्रभाव सुख वो चाहता है वो न मिले, वो बातें हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे तो शनि से बारहवें में शुक्र का होना अच्छा है, सुख सुविधा धन आदि देने वाला। पूर्व में ऐसा व्यक्ति धनी है, आगे बढ़कर जैसे ग्रह मिलेंगे वैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि से बारहवें भाव में अगर आप देखें कि अगर राहु बैठे हुए जैसे, तो शनि से बारहवें में राहु के होने पर आप देख पाएंगे कि राहु चूंकि अब है तो शनिवत ही, तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ उलझनों में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अन्य द्वारा षड्यंत्र में फंसाया गया। राहु के तो दोनों के लिए जोड़ सकते हैं, राहु के लिए अलग जोड़ सकते हैं, और शनि से राहु बारहवें में रहे हैं तो कोई क्रिएटिव चीजें, कुछ अलग चीजें ऐसे व्यक्ति करके आया है। सीधे सीधे ऐसा व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं करके आया, कुछ अलग ढंग से इनने काम किया है। अगर राहु खराब होंगे, यानी इसकी राशि में बैठा है वो खराब होगा, तो ये संभव है कि फिर ऐसा व्यक्ति अनुचित कर्म करके आया है, फिर उसे संघर्ष मिलेगा। शुरुआती जीवन पर बहुत ज्यादा संघर्ष मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को अन्य की सहायता करनी चाहिए, गरीब लोगों की, असहाय लोगों की, अपाहिज लोगों की, तो उसके ये दोष दूर होते हैं। शनि से बारहवें भाव में राहु का होना थोड़े मात्रा में देखने को मिला कि व्यक्ति को भ्रम में रखता है, चिंता में रखता है, अज्ञात भय ऐसे व्यक्ति को बना रहता है, स्वास्थ्य की चिंता, अन्य से धोखा ऐसे व्यक्ति को मिलता रहता है। जो सहयोगी हो वो कई बार धोखा दे जाते हैं, लेकिन व्यक्ति पूर्व के समय पर किसी प्रकार से भी धन अच्छा अर्जित करने वाला था, अच्छा अर्जित किया है, ये बात देखने को मिलती है। केतु हो तो वैराग्य, धार्मिकता, आध्यात्म वाली रुचि बढ़ जाएगी। जहां राहु के अंदर तंत्र मंत्र वाली चीजें जुड़ेंगी, वहीं केतु के अंदर ज्योतिष या ऐसे रहस्यमय चीजें जो सही मार्ग से व्यक्ति को आगे बढ़ाती हो, वो वाली चीजें व्यक्ति को सीखने का मन बढ़ेगा। व्यक्ति पूर्व में सीख भी चुका है ये भी आप समझ सकते हैं, इसलिए इस समय पर वो केवल देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ क्या उसे करना है। तो शनि से बारहवें में केतु होने पर धार्मिकता, आध्यात्म का पक्ष अच्छा होता है। व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि वैराग्य वाले गुणों को लेकर के आया है, अच्छे कार्यों को करके भी आया है, तो ये चीजें मतलब शनि से बारहवें भाव में केतु के होने पर होती है। तो ये कुछ प्रभाव है शनि से बारहवें भाव में अलग अलग राशि और अलग अलग ग्रहों का। अब कोई के दो ग्रह साथ में है तो वो युति अच्छी है शनि के लिए या खराब, जैसे सूर्य चंद्रमा बैठ गए। अब चंद्रमा तो खराब है शनि के लिए बारहवें में होना, तो ये चंद्रमा के पक्ष के लिए खराब हो गया, यानी मानसिक चिंता पूर्व में ज्यादा रही है व्यक्ति को। सूर्य का प्रभाव होना फिर भी अच्छा है, सूर्य कम से कम शनि को मान सम्मान आदि देंगे। इसी प्रकार कोई दोष बना हुआ है तो ये देखिए उसका प्रभाव शनि पर सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर सकारात्मक है तो वो शनि को अच्छा प्रभाव देंगे, या फिर आप अपने जीवन के पूर्वार्ध को देख लीजिए, शुरुआती जीवन को देखिए किस तरह का बीता, वो आप समझ जाएंगे शनि से बारहवें भाव क्या बता रहा है। बस इतनी सी बात है। तो ये कुछ शनि से बारहवें भाव की स्थिति थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। आगे मैं आपको शनि से दूसरे भाव की जानकारी विस्तार से दूंगा, उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व में बहुत सी वीडियो बनी हुई है, उन्हें देखने के लिए
आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके या चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी नाम से उस वीडियो उनमें वीडियो को देख सकते हैं, आपको सभी शनि से जुड़ी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।